हेलो एवरीवन स्टूडेंट, हमें जिसका इंतज़ार था वो वैकेंसी आ चुकी है। जैसे हम यहाँ पर आपको दिख रहा हूँगा, व्यापम ग्रुप 3 उपयंत्री की वैकेंसी आ चुकी है और इस बार रिवाइज्ड होकर आई है। इस बार रिवाइज्ड होकर आई है दोस्तों, इसमें बहुत सारी कुछ और जो है पोस्ट ऐड हुई है। तो इसमें समूह ग्रुप 3 जो है उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और इसमें बैकलॉग भर्ती भी इसमें इंक्लूड है दोस्तों। और ये संयुक्त भर्ती परीक्षा है, इसमें अदर डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल तीनों के लिए है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, मैकेनिकल ब्रांच वाले और सिविल ब्रांच वाले तीनों के लिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। किसी भी ब्रांच में पॉलिटेक्निक होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल में हो। तो इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया रखी है पॉलिटेक्निक, उसके साथ में यदि आप बाद में यदि किसी के पास पॉलिटेक्निक नहीं है और बीटेक किया हुआ है किसी ने या बीए किया हुआ है तो भी वो एलिजिबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हायर एजुकेशन को भी यहाँ पर इंक्लूड गया है। ये बीटेक जो है ये डिग्री कोर्स होता है और ये डिग्री कोर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। क्लियर स्टूडेंट? अब बात ये आती है कि इसमें इसकी एग्ज़ाम की डेट कब कब इसमें दी हुई है। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि अब जो है बार बार जो है नोटिफिकेशन आ रहे थे, फिर उसको पोस्टपोन किया जा रहा था, ये अब ख़त्म हो गया दोस्तों। अब इसमें सीधे सीधे मेंशन कर दिया गया है कब से फॉर्म भराए जाएंगे और कब से क्या किया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट जो है ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है इसकी एग्ज़ाम की डेट। मिनिमम 1 मंथ का आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि दी है वो 1 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 तक दी हुई है। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट इसमें दी है दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट दी हुई है और इस डेट पर ही आपको, इस डेट के अंदर आपको फॉर्म भरना होगा। इसमें ऑनलाइन परीक्षा जो है पद्धति समय सारणी भी दी हुई है। अब इसमें आवेदन को पत्र को संशोधन करने की जो तिथि है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक की ही दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, 16 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और यहाँ पर 21 अगस्त फॉर्म में करेक्शन करने की डेट है। यदि किसी को करेक्शन करना है, यदि किसी को नाम में करेक्शन करना है, यदि किसी को सरनेम में करेक्शन करना है, यदि किसी को पोस्ट में करेक्शन करना है, तो वो 1 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 तक ही करेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, मतलब जिसकी हम टेस्ट सीरीज चला रहे थे व्यापम सब इंजीनियर की, उसके टेस्ट सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट और शेड्यूल सब चीज़ आ चुका है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति में समय सारणी यदि इसमें देखें हम, तो इसमें एग्ज़ाम की डेट शो कर दी गई है, वो भी 24 सितंबर 2022 से इसकी एग्ज़ाम की डेट शो कर दी गई है। इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में यदि हम देखें तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक इसमें अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम है और महत्वपूर्ण निर्देश यदि पढ़ने का जो समय है उसमें 8:30 से 9 के बीच में है। 10 मिनट मिलेंगे आपको ओनली फॉर द 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के अंदर दोस्तों आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना होगा और फिर आंसर शीट जो है अंकित करने का जो समय मिलेगा आपको वो मिलेगा 9 से 12 बजे तक। मतलब 3 घंटे का पेपर होगा, 9 से 12, ये 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 घंटे का। क्लियर है स्टूडेंट? सेकेंड पाली जो होगी इसकी स्टार्ट ये होगी 12:30 से 1:30 बजे तक के बीच में और इसमें 12:30 से 1:30 बजे तक का जो है ये रिपोर्टिंग टाइम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम होगा ये रिपोर्टिंग टाइम होगा, उस समय पेपर की रिपोर्टिंग टाइम होगी। और 2:20 से 2:30 तक 10 मिनट तक आपको फिर वही जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। मतलब एक ही जो है यहाँ पर एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। तो दोपहर को यहाँ पर दिया है 2:30 से शाम को 5:30 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पाली में पेपर कराए जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखें तो 24 सितंबर जो डेट है ये मुख्य इम्पॉर्टेंट डेट है। 24 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी जो डेट है वो डेट दे दी गई है एग्ज़ाम की। अब रिक्त पदों का जो विवरण है इसमें सीधी भर्ती का सीधे 2198 पोस्ट दिया हुआ है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और संविदा जो पोस्ट है, संविदा पोस्ट इसमें 111 संविदा पोस्ट दिया हुआ है। बैकलॉग जो पोस्ट है
248 बैकलॉग पोस्ट है, ये डायरेक्ट भरे जाएंगे, जिसमें एसटी के ज़्यादा भरे जाते हैं बैकलॉग पोस्ट में दोस्तों, और एससी के। कुल पद यहाँ पर देखेंगे तो 2557 पोस्ट निकली हुई है, टोटल पोस्ट 2557 निकली है। इसमें एग्ज़ाम की जो सिटी होगी वो भोपाल होगी, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा। इसमें बालाघाट ज़िला कहीं नहीं है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बालाघाट में एग्ज़ाम सेंटर नहीं होगा। इसके पहले जो एमपी पुलिस में एग्ज़ाम सेंटर बालाघाट हुआ करता था, लेकिन इस बार अब यहां पर देखेंगे आप तो व्यापम सब इंजीनियर में बालाघाट एग्ज़ाम सेंटर नहीं होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, ये तो है एग्ज़ाम। अब ये पहले से ही एग्ज़ाम सिटी हुआ करती थी, मेन मेन जो महानगर हैं, लेकिन इस बार मंदसौर, सतना, खंडवा, सीधी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है उसके महत्वपूर्ण निर्देश आपको कहाँ से मिलेंगे, तो पीईबी की साइट में जाएंगे आप, www.pb.mp.gov.in पर ये उपलब्ध होगी। फॉर्म भरने का प्रोसेस वही होगा, आपको पंजीयन कराना होगा, उल्लेखित समय नियमों पर जानकारी का जो है अध्ययन करके ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम यदि, तो इसका जो वेबसाइट है वो आवेदन पत्र इसमें कहाँ पर भरा जाएगा, मेन वेबसाइट क्या है इसकी, pb.mponline.gov.in, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप यहाँ से टोटल डिटेल आप देख सकते हैं। अभी ये बात आती है कि कुछ कहते हैं कि ओबीसी, एसएसटी और जनरल के लिए एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट है और वो उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अनुसूचित जाति, इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। सीधी भर्ती है बैकलॉग की, कोई शुल्क नहीं लगेगी। जो भील जनजाति से आते हैं, भील जनजाति, भारिया जनजाति से आते हैं, उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका जो फॉर्म है उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। कियोस्क को जो देय होगा वो 60 रुपये एक्स्ट्रा, उनको फॉर्म भरने का चार्ज दिया जाता है, और रजिस्टर्ड के लिए 20 रुपये दिया जाता है। तो ये कियोस्क का जो शुल्क है, ये शुल्क लेके जो 250 का फॉर्म है वो 350 समथिंग जाता है, 350 रुपये समथिंग जाएगा, और ये 500 का जो फॉर्म है दोस्तों ये लगभग 600 के पास जाता है, ठीक है। इतना पैसा तो खर्च होना ही है इसमें। अब इसमें दिशा निर्देश जो है इसे पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर दिया है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यदि आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहचान पत्र के लिए, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। और अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में जो मूल परिचय पत्र है जो आप वहाँ पर मेंशन करोगे उसी को ही लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक सत्यापन होगा सभी का जब आप इंटर करेंगे, तो परीक्षार्थियों को परीक्षा के रिपोर्टिंग समय के पहले पहुंचना है। बहुत सारे दिशा निर्देश हैं जो व्यापम की एग्ज़ाम में होते हैं, वही दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। तो व्यापम की जितने भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें जो दिशा निर्देश दिए रहते हैं, जो डायरेक्शन दिए रहते हैं, जो नियम रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, उसमें भी इसमें भी सेम वही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा दोस्तों, ये रखना है आपको, इसमें 100 जो क्वेश्चन होंगे ये टेक्निकल के होंगे, टेक्निकल के। जैसे टेक्निकल में यदि किसी का इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का, किसी का मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ब्रांचों का, किसी का सिविल है तो सिविल वालों का होगा, ठीक है। अब ये 100 जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल होगा, और इसमें 100 जो क्वेश्चन होंगे वो नॉन टेक का होगा, क्लियर है दोस्तों। 100 ये टेक्निकल क्वेश्चन हो गए मैकेनिकल और सिविल के लिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब और जो 100 क्वेश्चन होगा नॉन टेक का होगा, ये जो 100 क्वेश्चन होगा ये नॉन टेक का होगा, और नॉन टेक में अलग अलग 5 से 6 पार्ट को डिवाइड किया गया है। इसमें साइंस हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी और जीके, इसको इंक्लूड किया गया है इस टाइप से, अलग अलग कंप्यूटर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से आपको 4-5 जो 6 चैप्टर है वो 6 चैप्टर को आपको यहाँ पर नॉन टेक में करना होगा आपको, जिसमें मैथ्स रीजनिंग तो होगी, मैथ्स रीजनिंग जरूरी है इसमें, मैथ्स रीजनिंग, और आपको जीके, एमपी, जीके वगैरह तैयार करना होगा, ठीक है। करेंट अफेयर भी पूछा जाता है यहाँ से। तो ये दोस्तों अब तो ये डेट आ चुकी है, और हम अभी जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं इसकी यूथ पब्लिकेशन की बुक से, तो ये टेस्ट सीरीज हम कंटिन्यू चलाएँगे,